दोस्तों आप लोग मेल तो करते हो, ईमेल या जीमेल जो भी मैसेज करते हैं मेल से, उन सब के बारे में तो आपको पता ही होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि उस मेल में एक सीक्रेट चीज है जो बहुत लोगों को नहीं पता होती है। सो गाइस, मैं बात कर रहा हूँ सीसी और बीसीसी की। दोस्तों आप लोग मेल करते हैं तो आप वहां पे देखते होंगे सीसी एंड बीसीसी लिखा होता है। तो बहुत सारे लोग तो कंप्यूटर कोर्स करके बैठे होते हैं, जीमेल आईडी क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता। कई इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि सीसी और बीसीसी का मतलब क्या होता है, तो उनको पता नहीं होता है। सो गाइस, मैं हूं परवेश खान और आप देख रहे हैं परवेश टेक्निकल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईमेल में जो सीसी एंड बीसीसी का मतलब क्या होता है। अगर जीमेल से रिलेटेड आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे आप वीडियो जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अपने मोबाइल में यहाँ पे जीमेल ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अगर कंपोज मेल का ऑप्शन आता है तो हम यहाँ पे कंपोज करते हैं, और कंपोज करते ही दोस्तों आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सबसे पहले जो आपको दिख रहा है मेरा एक ईमेल आईडी जो फ्रॉम में है, और टू में जो आप किसी को भी मैसेज भेजते हैं वो होता है, और सब्जेक्ट जो आप लिखते हैं यानी कि आप फाइल भेज रहे हैं, फोल्डर भेज रहे हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो दोस्तों मैंने क्या बताया हुआ है कि सीसी एंड बीसीसी, जैसे ही हम यहाँ टू पे क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको दिखता है सीसी एंड बीसीसी। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि सीसी एंड बीसीसी का मतलब क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे टू में हम उसको सेंड करते हैं जिसे हम अपनी फाइल सेंड करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक ईमेल आईडी इंटर कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे टू में आप एक से ज़्यादा भी ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक ही ऐड करेंगे। दोस्तों अब हम जो सीसी बता रहे हैं, सीसी का मतलब है दोस्तों यहाँ पे आप जो फाइल आप परवेज को भेज रहे हैं वो फाइल सीसी को भी जानी है, लेकिन सीसी का मतलब दोस्तों कार्बन कॉपी होता है। लेकिन सीसी को जैसे ही हम भेजते हैं, चलिए यहाँ पे हम एक ईमेल आईडी इंटर कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर हम कोई फाइल परवेज को भेज रहे हैं, वही फाइल हम तौकीर को भी भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि तौकीर को पता होता है कि ये मेरी फाइल कार्बन कॉपी है, ये वो प्रिंट नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे परवेज को भी पता रहता है कि जो मेरी फाइल मुझे भेजी गई है उसकी कार्बन कॉपी तौकीर को भी भेजी गई है। बीसीसी का दोस्तों ये मतलब होता है कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यहाँ पे हम एक ईमेल आईडी इंटर कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे अब बीसीसी का मतलब भी आप जान लीजिए कि यहाँ पे जैसे ही परवेज को जो फाइल भेजी गई है वो तौकीर को पता है कि मेरे पास भी वो फाइल आई हुई है, लेकिन आदिति गुप्ता को भी ये फाइल भेजी गई है वो किसी को इन दोनों में से पता नहीं है, यानी ना तो परवेज को पता है और ना ही तौकीर को पता है कि ये फाइल आदिति को भी भेजी गई है। दोस्तों यहाँ पे ये भी है कि तौकीर की जो फाइल, तौकीर के पास जो फाइल आई हुई है वो तौकीर उसे प्रिंट नहीं कर सकता। और सेम वैसे ही दोस्तों ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो आदिति के पास है वो भी उसे प्रिंट नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पे सीसी वाले को पता होता है कि जो टू में जिसकी ईमेल आईडी है यानी कि परवेज के पास जो ईमेल आईडी है उसके पास जो फाइल या फोल्डर भेजी गई है वो ईज़िली वहाँ से मुझे भी भेजी गई है। तो दोस्तों ये थी सीसी और बीसी की जानकारी। सब्जेक्ट में हम जो लिखते हैं फाइल, और यहाँ पे हम लिख देंगे, इसके बाद हम सेंड पे क्लिक कर देते हैं दोस्तों, तो इजली ये सेंड हो जाता है। दोस्तों यहाँ से मैं अटैच के बारे में बता देता हूँ। यहाँ से अटैच फाइल करेंगे तो आप अपने ड्राइव में चले जाएंगे, और जो भी आप यहाँ से इंसर्ट करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको सीसी और बीसीसी का मतलब पता चल गया होगा दोस्तों, कि सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, जिसमें क्या होता है सीसी वाला
को जो भी हम मैसेज भेजते हैं वो टू वाले को पता होता है, लेकिन वही हम बीसीसी वाले को जो भेजते हैं, यानी कि जो भी हम मैसेज भेजते हैं बीसीसी वाले को, तो टू और सीसी वाले को पता नहीं चलता है कि बीसीसी वाले को भी मैसेज गया हुआ है, या जो भी टेक्स्ट या फाइल्स वगैरह हम जो सेंड किए हुए हैं वो पता नहीं चलता है इसलिए। तो दोस्तों ये बहुत ही बेनिफिट जानकारी होगी कि आपसे अगर कोई भी पूछ दे कि सीसी और बीसीसी का मतलब क्या होता है, तो आप इजली इसे रिप्लाई दे सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूटों में ये बताया नहीं जाता है दोस्तों। सो गाइस, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।